सावरम मूल्य पंच परमेश्वरी भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन कम नौ कोटि मुनि राजों की अहिंसा मय विश्व धर्म की। बंधुओं, हम सभी वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर के शासन में और परम पूज्य आचार्य गुरुवर के पादमूल में बैठ कर के विगत दिनों से उस तत्व को समझ रहे हैं जिसको हमने आज तक नहीं जाना। भगवान जयेंद्र की वाणी उसे ही सुहाती है जिसका जीवन अल्प बचा हुआ है। जैसे स्वान को घी नहीं पसता, वह बमन कर देता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को जनवाणी नहीं सुहाती है। किसी ने लिखा है कि मिथ्या दृष्टि जीव को जनवाणी न सुहाए, के ऊंगे के रर मरे के उठ घर को जाए। जो मिथ्या जीव होता है उसको जनवाणी नहीं सुहाती है। अगर सोवा में आ भी गया तो के ऊंगे के रर मरे, या तो सोएगा वो आके, या आपस में रहेगा, यानी तो उठ के घर को चला जाएगा। ये जित मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान है। हम सभी ने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है, और एक बार मनुष्य पर्याय से हम चले गए, पुनः वापस कब मिलेगी? जैसे कि एक रत्न आपके हाथ में था, वो रत्न समुद्र में गिर गया है, वो रत्न पुनः पाना संभव नहीं है। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय पुनः प्राप्त हो जाए, ये कोई संभव नहीं है। और मनुष्य पर्याय मिल गई अपने को, उसमें भी उत्तम कुल मिलना अति दुर्लभ है। और उत्तम कुल उसे ही कहा है आचार्यों ने, जिस कुल में दीक्षा ली जाती है उसे ही उत्तम कुल कहा है। आप सभी ने एक संकल्प लिया, उत्साह दिखाया, संजय भैया ने, गंगवाल जी ने, कोई भी काम करने पर संकल्प लेना पड़ता है संजय भैया, कि हम आचार्य महाराज का संघ का विहार कराएंगे, तो संघ यहां तक आ गया। धन खर्च करने वाले तो लाखों नहीं करोड़ों मिल जाएंगे, धन खर्च करने वाले लाखों नहीं करोड़ों, लेकिन समय खर्च करने वाले नहीं मिलते। इन दोनों आपके संघपति ने समय के साथ साथ धन भी खर्च करके उस संघ को यहां लिया है। अब हमारा क्या काम है वो हमें करना है। कहते हैं कि असाढ़ का चूका किसान, असाढ़ का चूका किसान किसी काम का नहीं रहता, और डाल का चूका बंदर किसी काम का नहीं बचता। वो अगर किसान ने असाढ़ में खेती बोनी नहीं की तो क्या खाएगा, वो क्या खिलाएगा? और बंदर अगर डाल से चूक गया तो उसके हाथ पांव टूटना है। इस चार महीने आपको धर्म करने के लिए मिले हैं। अब वो कहीं हम इसमें ही चूक गए तो फिर भगवान मालिक है आपका। जब हम लोगों का यहां प्रवेश हुआ था 22 तारीख रविवार को, तो कार्यक्रम लंबा हो गया, और लंबा कार्यक्रम के कारण 12 बज गए। और जैसे ही 12 बज गए, आचार्य महाराज के प्रवचन पूरे हुए और आचार्य जी ने घोषणा की कि सामयिक के बाद चर्या होगी। क्या होगी? सामयिक के बाद चर्या होगी। तो एक भाई मेरे से कहता है, इसीलिए तो हम आचार्य श्री को चर्या शिरोमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्या शिरोमणि। इसीलिए तो कहते हैं कि सब काम समय पे करते हैं, कि 12 बज गए, अब आहार का समय गया, अब तो सामयिक का समय है। मैंने कहा देखो कितने लोग समझदार हैं। उसने तुरंत मेरे से कहा, नहीं कहीं बैठे होंगे, मैं ध्यान ही कौन ने कहा था मेरे से, तो इस चार महीने आपको धर्म करने के।
चतुर्मास हमारा है कि आपका है? हाँ, हमारा तो वो चतुर्मास है। हम तो लोग जीवों की दया करके ही चलते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, इरिया समिति चलते हैं। इस चार में चतुर्मास आपका है ना, तो क्या करेंगे आप लोग? कल हमारी स्थापना तो कल हो जाएगी, और कल से आप लोगों को आना बंद हो जाएगा कि आएंगे? तो चतुर्मास आपका है, आपको भी कम से कम चतुर्मास में कुछ तो चार महीने के नियम ले सकते हैं ना। जो हम चीज कभी नहीं खाते उसका त्याग कर दें कम से कम, जो खाते हैं उसका त्याग कर दें, तो कम से कम कुछ ना कुछ नियम हमको इस चतुर्मास में लेना चाहिए। जब तुम्हारा चतुर्मास कहाँ सार्थक होगा। एक बार क्या हुआ कि दो सखियां अपने झरोखे में खड़ी थी, एक दस्य को देख रही थी वे कि एक राजा साहब हाथी पर चढ़कर आए। हाथी से उतरे, रास्ता थोड़ा पतला था तो उस पर हाथी से उतर कर घोड़े पे आके बैठ गए वो। जब राजमहल के दरवाजे पे आ गए तो उनके लिए एक पालकी आ गई लेने के लिए, और पालकी से उतर कर वे सिंहासन पे आके बैठ गए। और जैसे ही सिंहासन पर बैठे आके तो 10-20 लोग उनके हाथ पांव दबाने के लिए आ गए। तो वो दोनों सखी बात करती हैं कि ये सखी ये बताओ ये थक कब गए, ये थक कब गए राजा साहब जिनके पांव दब रहे हैं? तो सखी वो कवि थी, वो कविता कहती है कि हाथी चरे घोड़े चरे और चरे पालकी, कब के हारे हैं थकी अबे दबावत पाऊं। ये कब थक गए इनके पांव दब रहे हैं? तो दूसरी सखी भी कवि थी, वो भी कविता में अपना उत्तर देती है कि भूसूतो भूतो वलो कीनो उग्न बिहार, तब के हारे हैं थकी अबे दबावत पाऊं। समझ में आया आपको? नहीं आया होगा भी। ये जो राजा हैं जो आपको सिंहासन पर बिठाई दे रहे हैं, ये पूर्व में मुनिराज थे, ये पूर्व भव में मुनिराज थे। उस भव में इन्होंने भूसूतो भूतो भलो, इन्हें लंबा लंबा विहार किया, पृथ्वी पर निवास किया, पृथ्वी पर सोते थे। कीनो उग्न विहार, लंबा लंबा विहार करते थे, तब के हारे हैं थकी, ये उस पर्याय के थके हुए हैं, इसलिए इस पर्याय में उनके पांव दब रहे हैं। अभी देखा आपने, उस बार चतुर्मास हमारा कहां हुआ था? इंदौर में हुआ था। वो वहां से घूमते घामते घामते कहाँ गए हम लोग? औरंगाबाद। लगभग 4,000 किलोमीटर का बिहार हमारा हो गया। ये तो बिहार हुआ, जो लिखा पढ़ी वाला है, और जो बिना लिखा पढ़ी का है उसकी कोई गिनती नहीं है। समझ में आई ना? जंगल गए, आहार करने गए, उसकी कोई गिनती नहीं। तो हमें अब उस तत्व को समझना जिसको हमने आज तक नहीं समझा। तो तत्व को समझेंगे कैसे? दुकान खोलने पे जाना है हमको, तो समय हो गया, 10 बज गए आपके। अब तो दुकान खोलने से संजय भैया पैसा नहीं आता। पैसा कब आता है? पैसा पुण्य से आता है, और पुण्य होगा तो आप 2 घंटे दुकान खोलोगे तो पैसा आ जाएगा। इतना तो हमें सद्धान होना चाहिए, क्योंकि हम जैन हैं, वो विश्वास नहीं है जैन धर्म पर, पुण्य पर, तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। जो पुराने विद्वान लोग थे, जो सावक होता है, सावक कहते हैं किसे आप लोग? कोई सावक नहीं इसमें, इसमें एकाध कोई सावक हो तो कह नहीं सकता मैं, अगर कोई सावक नहीं है इतने बैठे हैं। कहेंगे महाराज हम तो सावक थे, आपने नई परिभाषा बता दी कि हम सावक नहीं है। हम नहीं बता रहे, तो जिनमाई माँ कह रही है। सावक उसे कहते हैं प्रतिमा धारी हो, कम से कम तो प्रतिमा तो उसके पास होना ही चाहिए, भाई सावक कहलाने का पात्र है। जो सावक होगा वो सब काम करेगा, 60 अवस्था का पालन भी करेगा। वो 6 अवस्था कौन से सावक के? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम तपा, गृहस्थानी, सत्कर्मानी, दिने दिने। इस सावक के 6 आवश्यक हैं, 6 कर्तव्य हैं। ये कब कब करना चाहिए? रविवार रविवार, छुट्टी छुट्टी के दिन, प्रतिदिन, दिने दिने, प्रतिदिन करना चाहिए। जो
सावक को वो कहेगा, उसके तो नियम है। तो अभी आप सावक भी नहीं है अपन, तो कम से कम इस चतुर्मास में हम सावक बनने का प्रयास करेंगे। आचार्य सी ने 12 साल पहले यहां बीज बोया था ना 12 साल पहले। अब वो फसल को लेने आए, आपकी फसल आने में 4 महीने लगते होंगे, लेकिन हमारे आचार्य महाशय समय देते हैं फसल को पकने के लिए। अब वो फसल लेने आए कि कितने यहां 12 साल में फसल पकी है, कितने शिष्य यहां से बनेंगे, कितनी शिष्या यहां से बनेंगी, और जो दीक्षा लेके जैन धर्म की प्रभावना करेंगे। अब समय आ गया है फसल को काटने का, हमारा समय हो गया है। बस इतना ही आपसे कहना है कि दुकान खोलने से पैसा नहीं आता है। दुकान हम 10 की जगह 12 बजे भी खोलेंगे तो उतने ही ग्राहक आएंगे, उतना ही धन हमारे जितना भाग में उतना मिलेगा। इसलिए हम समय पर आए, प्रवचन सुने, आहारचर्या देखें तो वे जो अपाहिज हो, जो अंगहीन हो, जिनको कोई बीमारी हो, अगर सभी लोग अनुमोदन करेंगे तो फिर देगा कौन? मंत्री जी, अशोक भैया, अभी सब हम तो अनुमोदन करते हैं, वो हमारे यहाँ एक बार अंतर हो गया, हम चौका नहीं लगाते अब, इसलिए हम आ दे नहीं जाते, हमारे यहाँ से अंतर हो गया था तो कभी ना कभी किसी की तो अंतर हो गई, वो सब ऐसे ही सोच लेंगे तो फिर कौन आ कराएगा। अंतर हो गया कोई बात, हम दूसरे सावधानी रखेंगे, देख के देंगे, विवेक से देंगे, विवेक बहुत बड़ी चीज है। फिर अगली बार अपन कभी चर्चा करेंगे, तो बस इतना ही ये करना है अपने को। अच्छे से ने कहा था कि काँव करके आना है, कितने लोग काँव करके आए आज? कोई नहीं आया। किसको लेके आए आप साथ में? अकेले आ गए फिर आज? कोई बात नहीं, कल स्थापना का दिन है, कल आज फिर अपन काँव करेंगे और कल सबको लेकर आएंगे, सभी लोग उस धर्म को प्राप्त करें जिस धर्म को तीर्थंकरों ने प्राप्त किया, भगवान महावीर स्वामी की जय।